नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं शिवपाल के बयान की। करनाल क्षेत्र में एक प्रतिष्ठान का शुभारंभ करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे, जो पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जहां जवाब दिया है, वहीं कई बड़े बयान भी दिए हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। करनाल में एक प्रतिष्ठान का शुभारंभ करने पहुंचे सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, स्वामी राम प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकने की घटना पर कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं और कार्रवाई भी हुई है। उनके खिलाफ यह राजनीति में नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, और यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही हो रहा है। बरेली में 90 किसानों पर हुई FIR पर कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है। जब सड़कों पर सांड घूम रहे हैं तो विरोध तो होगा ही, और विपक्ष का काम है उनकी आंखें खोलना। यह सरकार लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, विरोध, अपनी मांग रखना, उसको खत्म करना चाहती है। उसको यह सरकार खत्म करना चाहती है। शिवपाल सिंह कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, पर कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव ही चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच जो बयानबाजी हो रही है, तो इससे इंडिया गठबंधन में गुटबाजी देखने को मिल रही है। इस पर कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एक है और एक होकर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा। इंडिया गठबंधन में PM चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कहा, बहुत लोग हैं, इसकी चिंता आप मत करिए। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर कहा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे तो कन्नौज और आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के दिए बयान अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, पर कहा वो ऐसे ही बयान देते रहते हैं। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए बोला था कि उनको गुजरात भेज देंगे, वे ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं, कब क्या बोल दें, कब कहां चले जाएं। इंडिया गठबंधन में BSP को शामिल न किए जाने पर कहा कि वे पहले भाजपा से दूरी बनाए, वे अभी भाजपा से दूरियां बना नहीं पा रहे हैं। दादा, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंका गया, क्या कहेंगे आप? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के लोगों के साथ जब ये करेंगे तो फिर उनको मिल गया है। गलत है ना, कहीं स्याही फेंकी जा रही, कहीं जूता फेंका जा रहा है। अच्छा, बरेली में 90 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका था, जो आवारा अन्ना जानकर लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है। जब सड़कों पर हमारा पशु घूम रहे हैं, सांड घूम रहे हैं, तो विरोध तो होगा, विपक्ष का काम ही है उनकी आँखें खोलना, विरोध करना। तो ये सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र में जो अधिकार है धरना प्रदर्शन, अपनी मांग रखना, उसको खत्म करना चाहिए। अच्छा, फिरोजाबाद में जो सम्मेलन हुआ उसमें आपने अक्षय यादव के नाम की चर्चा की, जबकि वोट काफी आपको मिले थे, आप कहाँ से चुनाव लड़े? अब ये तो पार्टी का निर्णय होगा। मैंने कहा कि पार्टी का आदेश को हम स्वीकार करेंगे। वैसे फिरोजाबाद से नहीं, फिरोजाबाद से अच्छे ही लड़ेंगे। अच्छे ही लड़ेंगे, तो आप कहाँ? आजमगढ़। अभी हमारा 27 है, लेकिन पार्टी का आदेश लोकसभा चुनाव तो 24 है। अब पार्टी के जो आदेश आइए करना। ममता बनर्जी ने जो मौलाना को एक विशाल मीटिंग की है, जिसमें कि अधीर रंजन चौधरी और उन्होंने घमासान मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का गठबंधन आपका बना है तो उसमें आपसे कहीं गुटबाजी देखने को मिलेगी? एक है और एक होकर चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, इंडिया गठबंधन तरफ से PM चेहरा कौन होगा? बहुत लोग, इसकी चिंता मत करो,
या सीटों के हिसाब से डिसाइड होगा जिसकी ज्यादा सीटें होंगी। अब अखिलेश जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जहाँ से भी चाहेंगे लड़ सकते। कन्नौज की ज्यादा चर्चा हो रही है, कन्नौज से भी लड़ सकते, आजमगढ़ से भी लड़ सकते। कन्नौज की चर्चा ज्यादा हो रही है, अब जहाँ से भी उनकी इच्छा होगी लड़। ओम प्रकाश राजवन ने कल एक बयान दिया है कि अहीरों की बुद्धि तो 12 बजे खुलती है, इस पर लेकर क्या कहेंगे? कल तक आपकी पार्टी में रहे भाजपा से आने के बाद ओम प्रकाश राजवन, और कल उन्होंने एक फिर बयान दे दिया है भाजपा में जाने के बाद। ऐसे ही बयान देते हैं, कुछ दिन पहले तो बहुत पहले उन्होंने कहा था कि मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को कहा था कि हम गुजरात भेज देंगे, अमित शाह को कहा था हम गुजरात भेज देंगे, हम क्या सोचते ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। अभी कोई ये तय नहीं हो सकता, 24 से पहले आपकी तरफ भी आ सकते हो, उनका कोई ठिकाना नहीं कब क्या बोल और कब कहाँ चले गए। अच्छा यूपी के अंदर आपके गठबंधन में बीएसपी का कहीं वो नहीं है क्या? बीएसपी को अगर कहीं जगह मिलती है तो? अब वो तो भारतीय जनता पार्टी से पहले तो दूरियां बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी से अब यह दूरियां बना नहीं पा रही, इसीलिए इधर एंट्री नहीं है। चलिए ठीक है।